तो आप देख रहे हैं नज़र जनता न्यूज़। आज दसवां का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, आज सेकेंड सीटिंग है, आज का पहला है एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पे लड़कियाँ लोग एग्ज़ाम दे के निकल रही हैं, तो मैं उन लोग से पूछूंगा कि एग्ज़ाम किस तरह के दिए जा रहा है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा। तो देखिए अब उन लोग से पूछता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम था, कैसा क्वेश्चन, कैसा है? अच्छा था, बहुत अच्छा था। 100 में 95 करिएगा, वो तो नहीं हमको पता। चलिए विश्वास करिए कि आप है, विश्वास है कि सभी का मैथ आ जाए तो अच्छा ही एग्ज़ाम जाता होगा। तो देखिए मैं और स्टूडेंट्स लोग से पूछता हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम किस तरह से जा रहा है। कौन सब्जेक्ट एग्ज़ाम था? मैथमेटिक्स। मैथ, चलिए देखिए यहाँ पे और सब बहुत से लड़कियाँ अभी सब आ रही हैं, तो मैं और लोगों से पूछता हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम किस तरह का जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। कौन सब्जेक्ट एग्ज़ाम था? मैथ में। कैसा क्वेश्चन, कैसा? अच्छा था। 100 में 95 करिएगा। हाँ, चलिए बहुत अच्छी की बात है कि 100 में अगर 95 ले आते हैं तो बहुत सराहनीय की बात होगी कि आप मेहनत करते हैं। तो चलिए मैं और स्टूडेंट से पूछता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? मैथ का। कैसा क्वेश्चन, कैसा? अच्छा था। 100 में 95 करिएगा। हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद कि 100 में 95 करने का एकदम पूरा इरादा है कि 100 में 95 अगर कर देते हैं तो अच्छी की बात है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? मैथ। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा? बोलो बोलो। चलिए यहाँ पे बहुत से लड़कियाँ शर्मा रही है, तो चलिए मैं और लोगों से पूछता हूँ। क्या वीडियो पर लगातार बनाइए, मैं उन लोग से भी पूछता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? सब्जेक्ट मैथ। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा? अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सब स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। हार्ड या इजी? इजी था। बहुत इजी। 100 में 95 करिएगा। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात कि 100 में 95 लाने के सबको यही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछ रहे हैं। तो विश्वास है कि सभी स्टूडेंट के अच्छा मार्क्स आएंगे और अच्छा मार्क्स से पास करें कि अपना कोचिंग, अपना माँ बाप, अपना एरिया का नाम रोशन करें। तो चलिए मैं और स्टूडेंट लोग से पूछता हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम किस तरह का गया है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? मैथ का। क्वेश्चन कैसा? चलिए देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग सवाल अभी बहुत से अंदर में हैं, तो सभी को आ रहे हैं। तो आप वीडियो पर लगातार बने, मैं आपको पूरा दिखाता हूं और लोगों से पूछता हूं कि किस तरह का एग्ज़ाम, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उन लोगों का एग्ज़ाम जा रहा है। तो कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम, हेलो इधर इधर, कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम था? मैथ। चलिए मैं और लोग से पूछता हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम किस तरह, कैसा जा रहा है। हेलो, क्वेश्चन कैसा था? बोले पागल कहीं के। कहा कीजिएगा, अभी बहुत से लोग शर्मा रहे हैं, तो शर्माना नहीं चाहिए, कोई भी रहे जो कि पढ़े लिखे हैं तो शर्माने के कौन सी बात है। जो कि पढ़े लिखे हैं तो आपको कहीं अगर ऐसा मौका मिले कि 100-200 के बीच अगर बोलना पड़े तो आप बोल लें, तो शर्माने की कोई बात नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम था? मैथ। क्वेश्चन कैसा? अच्छा। चलिए बहुत देखिए ये हर स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यानी हर सब एकदम अच्छा से सोल्व करके आए हैं, 100 में 95 के सभी वादा किए हुए हैं। तो देखिए मैं और लोग से पूछ, कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम था? मैथ। क्वेश्चन कैसा? अच्छा। चलिए हाँ। देखिए सभी लोग यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा और यहाँ पे सभी कोई सोल्व करके। क्वेश्चन कैसा? अच्छा था। बहुत अच्छा था। यस यस। 100 में 95 करिएगा। देखिए 100 में 95 हर किसी का यही बोल रहे हैं, 95 करने के बात करते हैं तो विश्वास है कि क्वेश्चन अच्छा होगा और हर स्टूडेंट सोल्व किए होंगे तो ही तो 100 में बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं और स्टूडेंट लोग से पूछता हूँ कि कैसा उन लोगों का एग्ज़ाम, कैसे किस तरह के जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? मैथ था। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा? बहुत अच्छा। कैसा क्वेश्चन था? बहुत अच्छा। चलिए बहुत सब स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए मैं और स्टूडेंट लोग से पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। देखिए सब स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा, भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो देखिए मैं और लोगों से पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, किस तरह का जा रहा है। क्वेश्चन किस तरह का था, इजी या टफ था? टफ था, इजी भी था, दोनों था, मिक्सिंग था।
चलिए, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो टफ लगे करेगा, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा ही, कि जो मेहनत करते हैं तो मेहनत के फल भी थोड़ा मीठा होता है, तो जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए अब कुछ हल्का क्वेश्चन भी टफ लगता है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए कैसे क्वेश्चन दे दे उनके लिए कोई टफ नहीं लगता, उनको ईजी लगता है। तो चलिए मैं और स्टूडेंट लोग से पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम किस तरह का जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम था, क्वेश्चन कैसा था, टफ था या ईजी था? बहुत ईजी। चलिए सब स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी था, और विश्वास है कि सभी के अच्छा मार्क्स आवे, अच्छा मार्क्स से पास करें। कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम था? मैथ का। क्वेश्चन कैसा? अच्छा था। देखिए सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है, तो विश्वास है कि सभी स्टूडेंट सोल्व अच्छे से किए होंगे और अच्छा मार्क्स भी लाएंगे, अच्छा मार्क्स से पास हो जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम था? मैथ। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा, इस सब यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है। तो देखिए मैं और स्टूडेंट लोग से पूछता हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम किस तरह का जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसा था, ईजी था या टफ था? ठीक था। ठीक था, सबको यही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा था। तो देखिए मैं और लोग से पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसा था, ईजी था, टफ था? बढ़िया था। बढ़िया था। तो देखिए और लोगों से मैं पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है? अब देखिए इन लोगों के बोलने में भी ये लग रहा है कि अब मालूम नहीं सब बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो चलिए मैं और लोग से पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम कैसे तरह जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो अब वीडियो लगातार बने और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए और लोग से पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है? हेलो, इधर इधर। ए छोटी छोटी, क्वेश्चन कैसा, ईजी था या टफ था? ईजी था। बहुत सब सोल्व हो गया? Yes! बहुत 100 में कितना? 90 ला दीजिएगा। Yes! बहुत अच्छी की बात है कि 100 में अगर 90 ले आते हैं तो यानी स्टूडेंट मेहनत किए हैं और अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए मैं और लोग से पूछता हूँ कि उनका एग्जाम किस तरह से जा रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। तो मैं उन लोग से भी पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसा था, ईजी था या टफ था? नहीं। क्या नहीं? क्वेश्चन कैसा पूछ रहा? ठीक किया। इधर आइए, इधर आइए। देखिए तो कैसा क्वेश्चन कैसा है? बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ। एको देखिए क्वेश्चन बहुत तेजी था, लेकिन एक बहुल्ला के फार्मूला जब याद नहीं तो उनको क्वेश्चन के किस तरह से। चलिए देखिए मैं और लोग से पूछता हूँ कि उनका एग्जाम किस तरह से जा रहा है, क्वेश्चन कैसे तेजी था, टफ था? अरे बोलो। तो देखिए और लोग से मैं पूछता हूँ कि आखिर उनका एग्जाम किस तरह के जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्वेश्चन किस तरह सही था? बहुत ईजी था। हाँ। चलिए बहुत अच्छी की बात है, सब स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि बहुत ईजी था, क्वेश्चन अच्छा था। तो अब देख बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इन्हें विश्वास है कि सभी स्टूडेंट अच्छा मार्क्स से पास करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो देखिए मैं एक कुछ और पूछता हूँ कि उनका एग्जाम कैसे था, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पूछ रहा। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोले तो एक क्यू माइनस बी क्यू के था। चलिए बहुत अच्छी की बात है कि अच्छा नंबर लाएं, हर किसी का यही सोच होता है कि अच्छा मार्क्स से पास हो, कि चूँकि माँ बाप का भी नाम रोशन होता है, अपना एरिया का भी नाम रोशन होता है। तो चलिए अब देखिए मैं एक आदमी से और पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम किस तरह का गया है, कैसा गया है। थोड़ा इधर इधर आए, क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा? बहुत अच्छा पूछ रहा है। एकदम 100 में 90 करिएगा। यस सर। चलिए बहुत अच्छी की बात है कि अगर 100 में 90 पार करते हैं तो वो भी बेटर है। तो 5 डिवीज़न आओ और अच्छा नंबर लाइए कि अब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे आप नज़र जनता न्यूज़। जय हिंद।